हमारे साथ अब इस पर बातचीत करने के लिए राकेश शिंदे जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि बैंकिंग को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, और साथ ही बाजार पर बातचीत करने के लिए विवेक गुप्ता हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। राकेश, पहला सवाल आपसे होगा, अब ये जो एक्टिविटी है बैंकिंग में, एंड लुक एट द वे बैंक निफ्टी हैज परफॉर्म्ड इंक्लूडिंग द हैवी वेट्स, आपकी स्ट्रेटेजी इस समय क्या है बैंक्स पर, और साथ ही इन बैंक्स पर जो कि एक्विजिशन टारगेट्स हो सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा आप इस समय कंफर्टेबल कहां पर है वैल्यूएशन को लेकर? वैसे देखा जाए तो बैंक से भी काफ़ी रन आउट हुआ है, बट स्टिल यू नो बाय यू नो हम लोग इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रखते हैं। अभी जो इन्फ्लेशन जो टारगेट है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ओवरऑल ग्रोथ बूस्ट करने की बात चल रही है, तो आई थिंक द इंटरेस्ट रेट विल फॉल गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स वी कैन एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट टू कम डाउन, सो बैंक्स को काफ़ी हेल्प होगी। बैंक काफ़ी वो क्रेडिट ग्रोथ को लेकर काफ़ी कंसर्न्स था, वो एड्रेस हो गए, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इन फ्यूचर बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छे दिन आएंगे डेफिनेटली और रहेंगे भी। जो ये मर्जर एंड एक्विजिशन के टारगेट की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली जैसे एक आईएनजी वेस्या बैंक का नाम काफ़ी रडार में था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, बट अभी हम लोग और पोटेंशियल टारगेट बात करें, जैसे कर्नाटका बैंक, वो एक भी एक पोटेंशियल टारगेट है, काफ़ी दिनों से उनका नाम चर्चित है। जैसे देखा जाए कि आईएनजी और कर्नाटका बैंक का हम लोग कंपेरिजन करें, तो अभी ये जो डील हुई है आईएनजी की ब्रांचेस से 573 एंड कोटक ने प्राइस पे किया अराउंड 26 करोड़ पर ब्रांच, विच कम्स टू अराउंड 15,000 एज पर इज मार्केट कैप प्राइस, जो कि हम लोग देखे जाए तो अगर सेम जो कि लास्ट टाइम भी HDFC और सेंचुरी यूनियन का बैंक का डील हुआ था, दैट टाइम ऑल्सो HDFC ने 24 करोड़ पर ब्रांच पे किए थे, तो अगर सेम हम लोग कर्नाटका बैंक को मद्देनजर रखते हुए अगर उसका 26 करोड़ या 25 करोड़ उसको पे करते हैं, तो उनका आज का और उनके ब्रांचेस से 600, तो टोटल 18,000 करोड़ का वैल्यू हो जाता है, जबकि अभी उनका मार्केट कैप है अराउंड 2,600 करोड़। सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, और कर्नाटका बैंक ये बेसिस के ऊपर रैली भी कर सकता है। साउथ इंडियन बैंक कैसा लग रहा है? साउथ इंडियन बैंक भी एक यू नो पोटेंशियल टारगेट है, बट यू नो रिसेंट पास्ट में उनके काफी असेट क्वालिटी को लेके थोड़े मैनेजमेंट को लेके थोड़ा कंसर्न्स थे, इसीलिए अभी थोड़े यू नो कोई बैंक्स थोड़ा डाउटफुल रहेगा एक्विजिशन करने के जी। इस बीच चलिए मार्केट पर एक व्यू ले लेते हैं, हमारे साथ इंदौर से भी हमारे मेहमान बने हुए हैं विवेक। विवेक, सेंसेक्स पर अगला टारगेट आपका कहाँ जाके बैठ रहा है, आज जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है, और इनफैक्ट दो दिन पहले भी हम मार्केट में यही बात कर रहे थे कि इस मार्केट को शॉर्ट करना सुसाइड करने बराबर है, क्योंकि ये कहाँ जाके घूमेगा और नए सिरे से तेजी शुरू करेगा, ये पिन पॉइंट करना ट्रेडर्स के लिए भी मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है 8350 का जो लेवल है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, सो बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और 8350 का लेवल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे में 8350 का लेवल तोड़ता है तब कुछ करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हर डिप्स पे बाई करना चाहिए। और निफ्टी की मैं बात करूँ तो मुझे 8900 से 9000 तक का निफ्टी में टारगेट लग रहा है। 8900 से 9000, आपकी पिक्स कौन सी है इस समय सेंसेक्स में विवेक? सॉरी, पिक्स आपकी कौन सी हैं सेंसेक्स में इस समय? मैं कर्नाटका, अगर बैंकिंग को देखूं तो कर्नाटका बैंक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, कर्नाटका बैंक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छे रेट्स पे अभी मिल रहा है। मुझे लगता है कर्नाटका बैंक में 190 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, स्टॉप लॉस रखे 110 का, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बेट है, 6.23 के पीई मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहा है, और अभी तक पीएसयू बैंक्स में जो रैली आनी थी वो शुरू भी नहीं हुई है, तो कर्नाटका बैंक मेरा पिक रहेगा 190 के टारगेट के साथ। बिल्कुल, और इस बीच चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, बैंक निफ्टी 419 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, 18,060 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और निफ्टी है 8458 पर, आज इसने 8482 का हाई बनाया था। हमारे साथ अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अश्विन पारेख भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर पारेख, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ क्लियरली यहाँ पर जो केस इस समय बैंकिंग स्पेस में है, एक तो देखिए जो PSU बैंक्स में कंसोलिडेशन है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, लेवरेजिंग नेटवर्क एंड ऑल्सो लुकिंग एट द फॉरन कैपिटल रेजिंग कैपेसिटी, इन सबको अगर हम ध्यान में रख के देखें तो जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है उसमें काफी एक्टिविटी है। कल भी हमने एक एक्सक्लूसिव खबर इनफैक्ट दिखाई थी कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक में भी मर्जर हो सकता है, एंड कोटक की डील हमने कल शाम को देखी है। इन दोनों डील्स पर, एक पॉसिबल डील और दूसरी जो हो चुकी है, आपका व्यू क्या है? कंसोलिडेशन जरूर हो रहा है। देखिए ऐसा होता है, नॉर्मली कंसोलिडेशन का एक अपना समय होता है इंडस्ट्री के अंदर,
हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जब इकोनॉमी जो होती है वो डाउन स्केल पे होती है, जब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के समय पे, तो बहुत सारे बोरोवर्स जो हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो, आप अगर कोई सेक्टर का प्रॉब्लम देखेंगे तो बिग कॉर्पोरेट्स, जैसे हमने एविएशन में देखा, वहां पे बैड लोन्स या तो एनपीएस शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद में उस स्टेज पे अगर कोई एक पर्टिकुलर बैंक को थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आती है तो वो स्टेज पे उसको कंसोलिडेट करके अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता बन जाती है। तो नॉर्मली एक ऐसा फेज है कि जहां इकोनॉमिक डाउन टर्न पे कंसोलिडेशन होते हैं, या दूसरा जो एक फेज है जो हम अब देखेंगे जिसमें अपटर्न का जो इकोनॉमी का सवाल होता है, उस वक्त पे बहुत सारे बैंक ये सोचेंगे कि अगर वो दूसरे बैंक से मर्ज करते हैं या एक्वायर करते हैं तो उनकी बैलेंस शीट लार्ज होगी, उनकी जो कैपेसिटी है लेंडिंग करने की, और साथ ही साथ में अच्छे सेक्टर्स में लेंडिंग की मतलब पोर्टफोलियो ग्रो करने के लिए, तो वो आवश्यकता मतलब वो जरूरत बन जाती है इनकी। दोनों मर्जर्स में हम देखेंगे, एक की बात चल रही है, एक का तो अनाउंसमेंट आ चुका है, हम देखेंगे ये हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसके पीछे रहा है, दैट इज द अपकमिंग इकोनॉमिक बूम, बेसिकली जो क्लियरली बताया जा रहा है कि अगर इकोनॉमिक बूम होता है तो एक स्ट्रेंथेंड बैलेंस शीट या एक स्ट्रेंथेंड मर्ज्ड बैंक इज इन अ मच बेटर पोजीशन टू टेक अप दी अपॉर्चुनिटीज, बेसिकली। ऑलराइट, अब इसमें दो पहलू हैं मिस्टर पारेख। एक तो जो कोटक की डील है, पोस्ट मर्जर अगर आप देखें तो प्रोमोटर का स्टेक जो है दैट विल बी क्लोज टू 34%, जिसे उन्हें घटा के 30% पे लाना है। तो इनफैक्ट आने वाले दो साल में और 4% स्टेक द प्रोमोटर ग्रुप दैट इज मिस्टर कोटक विल हैव टू ऑफलोड, एंड ऑब्वियसली दैट्स अ कैपिटल रेजिंग अपॉर्चुनिटी एज वेल। अगर हम HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के विलय की बात करें तो जो कंबाइंड एंटिटी होगी उसमें फॉरेन होल्डिंग विल ऑटोमेटिकली ड्रॉप टू क्लोज टू 50%, तो वहां पर इनफैक्ट वो 24% एडिशनल इन्वेस्टमेंट FIIs का आ सकता है। मार्केट कैप के कैलकुलेशन से भी देखें तो इट इज क्लोज टू 90,000 करोड़, तो ये काफी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हो सकता है, एंड दिस कुड बी ऑन द कार्ड्स इन द नियर फ्यूचर। हाँ देखिए, हम लोग ज्यादा करके इस तरह की एक्टिविटी देखेंगे, क्योंकि जहां तक मतलब मेरा एनालिसिस जहां तक देख सकता है, जो बैंकिंग सिस्टम को जो कैपिटल चाहिए, जो इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो उस वक्त पे इकोनॉमिक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सेंसेक्स स्ट्रेटजी हेल्पलाइन में। हम बात कर रहे हैं बैंकिंग स्पेस पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास जानकार इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही विवेक हमारे साथ हैं, राकेश हमारे साथ बैंकिंग पर बातचीत करने के लिए हैं। विवेक, का पहले एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे, ये जो वीकनेस IT स्पेस में देखने को मिली है, इस पर फिलहाल बेट लेनी चाहिए? बिकॉज एक जो जेनरिक व्यू है इस समय वो ये है कि करेंसी इवेंचुअली 63-64 तक स्लाइड कर सकती है। मुझे लगता है IT स्पेस में अभी इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि IT स्पेस करेंसी के कारण IT स्पेस में फॉल नहीं आया है, क्योंकि IT स्पेस ऑलरेडी काफ़ी ओवरबॉट है, एंड क्योंकि एक बुल मार्केट है, यहाँ पे सेक्टर रोटेशन होना है। सो जो पैसा IT स्पेस में लगा है, IT स्पेस से निकल के दूसरे सेक्टर्स में जाएगा, जैसे कि बैंकिंग हो गया या फिर कैपिटल गुड सेक्टर हो गए, तो IT स्पेस से अभी निकलने का टाइम है, अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है IT स्पेस में। जी हाँ बिल्कुल, आपने बैंक और कैपिटल गुड्स की बात की, कमिंग बैक टू बैंक्स, राकेश अब ये बताइए स्पेसिफिकली कि अगर ये जो M&A एंड इट इज बिलीव्ड कि एटलीस्ट प्राइवेट स्पेस में ये कल की डील के बाद एक नया सिलसिला शुरू होगा डील्स का, एक तो ये जो HDFC लिमिटेड का मर्जर है उस पर आपका व्यू क्या है, इफ वन हैज टू टेक अ बैट तो कौन से स्टॉक पे लेना चाहिए, और साथ ही जो बाकी छोटे बैंक्स हैं उसमें बैंक बाय बैंक आप अपनी पिक्स रिकमेंड कीजिए। आई थिंक HDFC बैंक का जो मर्जर है इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, एंड आई थिंक HDFC इज नो पैरेंट कंपनी प्रमोटर HDFC बैंक में है, दैट विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, बिकॉज अभी जो है बिकॉज उनको लो एक्सेस ऑफ फंड्स मिलेगा, उससे उनके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होगी, उनके मार्जिन अच्छे होंगे, तो वो काफ़ी HDFC के लिए पॉजिटिव चीज़ है। प्लस अभी ये इसके टॉक्स अभी रिसेंटली ज़्यादा है, बिकॉज एक पॉजिटिव चीज़ हुई है कि HDFC बैंक बाय जुलाई 2015 they are raising 10,000 crore,
और उसमें HDFC जो कि पेरेंट कंपनी है दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जब भी HDFC बैंक यू नो अपना स्टेक डाइल्यूट कर रही है या यू नो कैपिटल रेज कर रही है इन दैट HDFC इज नॉट पार्टिसिपेटिंग. सो आई थिंक ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये मर्जर्स इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स. एंड बाकी टॉपिक्स कौन सी होंगी इस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए M&A? M&A में मेरे हिसाब से एक कर्नाटका बैंक इज अ यू नो गुड बेट बिकॉज अभी मैंने उसका एक्सप्लेनेशन किया बिकॉज यू नो प्राइस टू बुक वाइज ऑल्सो बैंक इज अट्रैक्टिव. अभी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस. तो कर्नाटका बैंक इज यू नो वेरी अट्रैक्टिव ऑन दैट फ्रंट. सेकेंड मुझे लग रहा है कि DCB बैंक भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है बिकॉज उसमें क्या है कि 18 बैंक में 18% जो स्टेक है वो प्रमोटर का है. तो RBI ने ऑलरेडी मैंडेट दिया है कि यू नो ऑल बैंक्स हैव टू कट डाउन देयर प्रमोटर स्टेक टू 10%. तो ING ने ऑलरेडी किया थ्रू दिस कोटक डील. सो DCB बैंक ऑल्सो कैन यू नो गो इन दैट वे एंड दे कैन यू नो रिड्यूस देयर स्टेक. सो DCB बैंक इज अनदर पिक. तो प्राइस टारगेट क्या होगा DCB में आपका? DCB का आई थिंक इट विल बी अराउंड यू नो 140 इज अ टारगेट प्राइस आई एम एक्सपेक्टिंग. And Karnataka Bank, I'm expecting around, you know, in near term, I'm expecting around 185. Yeah. All right. और साथ ही ये जो large cap banks हैं, इसमें भी क्या इस तरह की कोई activity आप देख रहे हैं? मिसाल के तौर पे Axis या फिर ICICI. Axis, ICICI में obviously मैं देखूंगा because they are well capitalized bank. तो but you know problem क्या है कि अभी interest rate will you know start cutting. तो तभी क्रेडिट ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जो कि फॉर ICICI बैंक उनके क्रेडिट ग्रोथ फ्रॉम लास्ट 3-4 क्वार्टर्स बहुत ही खराब थी. तो ये उनके लिए अच्छा मौका रहेगा कि क्रेडिट ग्रोथ को पुश करें. उसके लिए दे विल नीड अ कैपिटल. सो बिकॉज ऑफ कैपिटल कंस्ट्रेंट आई थिंक दे विल बी यू नो दिस लार्जर प्राइवेट बैंक विल बी मच स्लोअर. SBI की सब्सिडरीज है उसमें कहीं पे आप रेकमेंड करेंगे भाई? यस ऑब्वियसली बिकॉज SBI ने कल ही अपना फाइनेंस मिनिस्टर को अपना प्रपोजल सबमिट किया है कि हाउ दे आर यू नो गोइंग टू प्लान दिस यू नो मर्जर ऑफ दिस एसोसिएट बैंक. तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट है. तो आई थिंक एक SBBJ इज राइट कैंडिडेट यू नो वी ऑन होम कैन वी कैन बेट. विवेक बाकी बच्चे ट्रेड के लिए आपके टॉपिक्स क्या है आज के दिन के लिए? आज के दिन अगर मैं MCX का स्टॉक देखूं तो MCX में एक मंथली ब्रेकआउट हुआ है. तो मुझे लगता है MCX अगर पोजिशनल कॉल लेना हो तो MCX का स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा है. 847 के स्टॉप लॉस के साथ मैं MCX रिकमेंड करना चाहूँगा. टारगेट मुझे लग रहा है 1000 से 1100 का लेवल इसमें देखा जा सकता है. और जो इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना चाहते हैं 1400 तक के लेवल भी इसमें मुझे लग रहे हैं कि आ सकते हैं. और एक्चुअली बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. राकेश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. तो सेंसेक्स स्ट्रेटजी हेल्पलाइन को हम यही खत्म करते हैं लेकिन ब्रेक के बाद भी मार्केट नई ऊंचाई पर और उस पर हमारी कवरेज जारी है. नमस्कार.